हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Lightroom से आप आपका फ़ोटो कैसे एडिट कर सकते हैं। ये दूसरे ऐप से बहुत इजी है, जैसे PicsArt, Snapseed और भी कई ऐप हैं। मैं बहुत से फ़ोटोग्राफी ट्रिक्स आपको बताता हूँ और मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये फ़ोटो एडिट कैसे करते हो, सो उनके लिए ये वीडियो है और आप सब लोगों के लिए भी। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें एक एक सेटिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोटो को इस तरह Lightroom एप्लीकेशन में ऐड करना है। आपके पास Lightroom ऐप नहीं होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब आपको Lightroom में जाकर एक ऑप्शन दिखेगा ऑल फोटोज का। ऑल फोटोज में जाकर जो फोटो हमने ऐड किया है उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको Lightroom में एक एडिटिंग टूल्स दिखेगा, उसमें सबसे पहले हम एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये सब ऑप्शंस दिखेंगे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोजर थोड़ा कम कर लेंगे और सबसे ज़रूरी बात, ये सब सेटिंग आप ध्यान से देख लेना और फिर भी आपको प्रॉब्लम आया तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। अब कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये सब सेटिंग फ़ोटो के हिसाब से करनी है आपको। अब हाईलाइट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर शेडो को थोड़ा कम और वाइट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और लास्ट में ब्लैक को थोड़ा कम कर देंगे। अब हमें जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, ये जो एक्सपोजर के नीचे ऑप्शन है ना उसी में। उसमें आपको ऊपर के साइड में मिक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ आपको ऊपर के साइड कलर्स दिखेंगे। सबसे पहले हम रेड वाले का सैचुरेशन बढ़ा देंगे और लुमिनेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे। अब ऑरेंज कलर पर क्लिक करते हैं, इसका भी यू थोड़ा बढ़ा देते हैं और सैचुरेशन बढ़ाने के बाद लुमिनेंस को नॉर्मली फोटो के हिसाब से बढ़ा देते हैं। अब येलो कलर का यू पूरी तरह कम कर देंगे और सैचुरेशन को बढ़ा देंगे और लुमिनेंस को थोड़ा कम कर देते हैं। इसके बाद ग्रीन कलर का भी सेम करना है, यू को पूरा कम कर देंगे, सैचुरेशन बढ़ा देंगे और लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब लाइट ब्लू में फोटो के हिसाब से यू को एडजस्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ यू को बढ़ा दिया और साथ में सैचुरेशन को भी और ल्यूमिनेंस को थोड़ा कम कर दिया। अब ये लास्ट 3 कलर्स जो दिख रहे हैं आपको फोटो के हिसाब से एडजस्ट करना है। अभी इसके बाद हमारी मेन सेटिंग भी बाकी है। ये सब होने के बाद इसको डन कर देते हैं। अब आपको दिखेंगे ये सारे ऑप्शंस। सबसे पहले टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और साथ में टिंट को भी और वाइब्रेंस को हम 2 या 3 पर रखते हैं और सैचुरेशन को कम कर देते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीसेट्स का ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करके भी आप फोटो पर अलग अलग प्रीसेट्स यूज कर सकते हो, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। ये सब होने के बाद हम अभी जाएंगे विग्नेट ऑप्शन में। याद रखना,
ये ऑप्शन भी आपके फ़ोटो के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले क्लियरिटी को बढ़ा देंगे और विग्नेट को कम कर देंगे। इससे आपके फ़ोटो के चारों कॉर्नर में शेडो आ जाएगी, इससे आपका फ़ोटो और भी अच्छा दिखेगा। अब ये हो गया हमारा फ़ोटो। आप देख सकते हो पहले हमारा फ़ोटो कैसा था और अब कैसा दिख रहा है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करना।